Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Himani Joshi from Haldwani, Uttarakhand. First, happy Diwali to all. अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करिए. तो ये वाला जो नोटिस है आपके काउंसलिंग से होने रिलेटेड होने वाला है, तो डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो को पूरा देखिएगा. तो कल मैंने जो एक नोटिस डाला था जो INC की तरफ से आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे और बोल रहे थे दी हमारी काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी. तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले INC ने एक नोटिस निकाला था, जैसे आप सबको पता होगा मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी, नहीं पता तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी आपका वो नोटिस को. उस नोटिस के अकॉर्डिंग ये था, जो INC है उसके अंदर आती है यूनिवर्सिटीज़, तो उसके अंदर एक हमारी यूनिवर्सिटी आती है HNBUMU, हेमवती नंदन भगुड़ा. और HNBUMU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सब किससे एफिलेटेड होते हैं, INC से, ठीक है. तो इसलिए INC जो भी डिसीजन लेती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है उन यूनिवर्सिटीज़ को जो जो INC के अंदर आती हैं. तो पहले INC ने एक नोटिस निकाला था कि 31 अक्टूबर के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे, ना किसी स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने दिया जाएगा 31 अक्टूबर के बाद. बट फिर ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, बिकॉज अभी तक तो HNBUMU यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग ही नहीं हुई है. और अगर INC के नोटिस को देखें तो 31 अक्टूबर के बाद किसी को एडमिशन नहीं लेने दिया जाता. तो इस परेशानी को दूर करने के लिए INC ने अपने पहले वाले नोटिस में कुछ चेंजेस किए और दोबारा एक नोटिस निकाला कि अब उन्होंने अपनी जो बच्चों की एडमिशन की डेट है 31 अक्टूबर से हटाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है. इसीलिए करी गई है क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी HNBUMU को छोड़कर, सिर्फ HNBUMU यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, अदर यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जहां अभी तक काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेस नहीं हुई है. तो उन सबको अपनी एडमिशन की प्रोसेस इस साल तक, इस दिसंबर 31 दिसंबर तक करवा लेनी है अच्छे से. तो इसलिए INC ने वो नोटिस को दोबारा निकाला ताकि आप सबकी प्रॉब्लम थोड़ा ईजी हो जाए. और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दी काउंसलिंग कब होगी, हमारा तो एक साल बर्बाद चला गया. मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज का क्राइटेरिया यही होता है, थोड़ी काउंसलिंग और एडमिशन लेट होता है. अगले चलो हमारे टाइम पर कोविड था, बट जो हमसे जो आपसे सीनियर बैच है, जो आपका जस्ट सीनियर बैच होगा, जो अब सेकेंड ईयर पे जाएगा और आप फर्स्ट ईयर पे आओगे, उनका भी लेट ही हुआ था. अगर आप पूछोगे 4-5 साल से क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस लेट हो रहा है, कोविड से कोई मतलब नहीं है, ये क्राइटेरिया अब ये बन चुका है. तो डोंट वरी, ये मत सोचो कि सिर्फ आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के संग ऐसा हो चुका है. चलो इन सब बातों को दूर रखती हूँ, एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देती हूँ. अभी मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सर से बात की थी यूनिवर्सिटी में, तो सर बोल रहे थे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी वो अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर 1st वीक के बीच हो जाएगी. तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखिए, अपना ध्यान रखिए, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए. आई होप आपको कल का नोटिस समझ आ गया होगा और लगभग काउंसलिंग की डेट भी पता चल गई होगी कि कब से होगी, कब से चांसेस हैं आपके होने के, अकॉर्डिंग टू द सर, जैसा सर बोल रहे हैं HNBUMU के. तब तक अपना ध्यान रखिए. आई लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली to all.